ग्रीन टीवी के आज के इस वीडियो में बात करेंगे भांग की खेती की। भांग की खेती के बारे में कुछ और बताऊं उससे पहले चलिए आपको इसका इतिहास बताती हूं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भांग के सिर्फ नकारात्मक पहलू हैं या ये सिर्फ नशे के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इंसानी सोच है, जब जो करा दे। वैसे वास्तव में भांग एक औषधीय पौधा है जिसके 10-20 नहीं 150 से ज्यादा औषधीय इस्तेमाल हैं। और ये मैं नहीं कह रही, आयुर्वेद के विशेषज्ञों का दावा है। और जहाँ तक बात है इतिहास की, तो भारत में भांग का इस्तेमाल ईसा पूर्व से 1000 साल पहले से हो रहा है। मानसिक बीमारियाँ हो, बुखार हो, असहनीय दर्द हो, पेट की परेशानियाँ, एंग्जाइटी, स्पीच थेरेपी आदि के लिए भांग से बनी दवाओं का इस्तेमाल होता आ रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि इसे सिर्फ दवाओं के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था, बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में तो भांग के रेशों से कपड़े और कम्बल तक बनाए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, इंसानी दिमाग के लिए भांग शब्द के मतलब ही बदल गए। दवा कब नशा बनी और ये औषधि कब प्रतिबंधित हो गई, एहसास ही नहीं हुआ। पहाड़ी इलाकों में भांग अच्छी खासी फल फूल पाती है। नमी वाला क्षेत्र इसके लिए काफी अनुकूल रहता है। अक्सर बरसात के बाद इसके पौधे हिली एरियाज में खुद ही जहाँ तहाँ उगे हुए देखे जा सकते हैं। एक दौर था जब भांग की खेती पहाड़ों में व्यावसायिक तौर पर की जाती थी, अच्छा खासा रोजगार लोग पाते थे। लेकिन जैसे जैसे मशीनों के बुने बोरे चटाई घरों में घर बनाने लगे, वैसे वैसे भांग की छाल, रेशे और डंठल से बनने वाले उत्पाद खत्म होने लगे और पहाड़ की एक लोक कला खात्मे की तरफ बढ़ने लगी। इसमें कुछ कमी पूरी की मशीनों ने और रही सही सांसें दबा दी भांग की खेती पर लगे बैन ने। क्योंकि हकीकत ये है कि औषधि मानी जाने वाली भांग को हिमाचल में दवा के लिए नहीं, नशे के लिए इस्तेमाल किया गया। और यही वजह रही कि तमाम गुणों के बाद भी भांग बोलते ही नशा समझ में आता है। लेकिन वास्तव में भांग की खेती किसान के लिए बेहद मुनाफेमंद है। बीते कुछ समय से एक बार फिर भांग की खेती सुर्खियों में है और पहाड़ों सहित देश के कुछ राज्यों में भांग की खेती को लीगल स्टेटस देने की बात हो भी रही है और दिया भी गया है। अभी कुछ ही महीने पहले उत्तराखंड सरकार ने भांग की खेती के लिए इंडियन इंडस्ट्रियल हेम्प एसोसिएशन को लाइसेंस जारी किया है। औद्योगिक भांग की खेती के लिए लाइसेंस जारी होने के बाद उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां भांग की खेती को कानूनी मंजूरी मिली है। अगर आप पहाड़ी आबादी से हैं और भांग की खेती में दिलचस्पी रखते हैं, तो इसके लिए आपको लाइसेंस लेना होगा। और इसके लिए ये समझना जरूरी होगा कि आपको इसका लाइसेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप लाइसेंस लेने के पात्र हैं या नहीं। तो सुनिए, ऐसे व्यक्ति या अनुसंधान संस्थान और चिकित्सा संस्थान जिनके पास भूमि है या वो पट्टेदार हैं, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इंडस्ट्रियल हेम्प यानी औद्योगिक भांग की खेती के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे लोगों को भांग की खेती की परमिशन मिल जाएगी। इसके अलावा ऐसे लोग जिनके पास अपनी जमीन है और वो औद्योगिक भांग की खेती करना चाहते हैं, वो कमर्शियल और साइंटिफिक यूनिट के साथ पार्टनरशिप में भांग की खेती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप जिस भी क्षेत्र में औद्योगिक भांग की खेती करना चाहते हैं, उसके लिए आपको उस एरिया के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लाइसेंस इशू किया जाएगा। तो अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में आप लाइसेंस के लिए आवेदन करें और औद्योगिक हेम्प लाइसेंस के लिए IHC A1 फॉर्म भरें। मुख्य दस्तावेज जो आपको इस फॉर्म के साथ लगाने होंगे, उनमें पहला है स्थानीय पटवारी कार्यालय से जारी हुआ भूमि का खसरा खतौनी विवरण। जिस भूमि पर आप औद्योगिक भांग की खेती करना चाहते हैं, उसका मेजरमेंट यानी माप, स्टोरिंग फैसिलिटी की स्थिति और सीमा का विवरण, DM ऑफिस से इशू किया गया आवेदक यानी किसान का चरित्र प्रमाण पत्र, अगर आप किसी कमर्शियल या साइंटिफिक यूनिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी अनुबंधित खेती कर रहे हैं, तो उस यूनिट या कंपनी का पूरा लेखा जोखा। इसके अलावा दो एफिडेविट यानी शपथ पत्र भी चाहिए होंगे, जिनमें पहला होगा कि आवेदक को कभी किसी गैर जमानती अपराध के लिए कोर्ट द्वारा दोषी करार ना दिया गया हो, ना ही किसी कोर्ट में आवेदक के खिलाफ गैर जमानती अपराध के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो या चल रहा हो। दूसरा एफिडेविट ये होगा कि आवेदक ने इससे पहले औद्योगिक भांग की खेती के लिए कहीं और से पहले कोई लाइसेंस न लिया हो।
इन सब से अलग औद्योगिक भांग की लीगल यानी कानूनन खेती के लिए इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है बीज, जिसके मुताबिक लाइसेंस धारक खेती के लिए सिर्फ 0.3% से नीचे THC वाले बीजों का ही इस्तेमाल करेगा। THC यानी टेट्राहाइड्रोकैनेबिनॉल यानी भांग में नशे की मात्रा को कहा जाता है, जो औद्योगिक भांग में कम होती है। बीज 0.3% से कम THC स्तरों के हैं, इसके लिए प्रमाण पत्र चाहिए होगा। ये सर्टिफिकेट जिले के लाइसेंस अथॉरिटी में आपको जमा कराना होगा और जब लाइसेंस अथॉरिटी परमिशन देगी उसके बाद ही बीजों का उपयोग बुआई के लिए आप कर सकेंगे। बीज आयात करने के लिए परमिशन भी आपको अपने जिले के कलेक्टर से ही मिलेगी। तो ये तमाम बातें हैं जो लाइसेंस बनवाने के लिए आपको जाननी जरूरी हैं। अगर आप भांग की खेती के इच्छुक हैं तो इसके लाइसेंस के लिए आप इस विधि से आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, औद्योगिक भांग की खेती किसानों के लिए मुनाफेमंद इसलिए है क्योंकि इसकी फसल 3 महीने में किसान को लागत से 3 गुना मुनाफा देती है। औद्योगिक भांग से कागज, बोर्ड, ईंट, फाइबर, इत्र, फर्नीचर, कॉस्मेटिक्स, कपड़ा, तेल और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट जैसे करीब 2,500 तरह के उत्पाद तैयार हो सकते हैं। इसके अलावा औद्योगिक भांग से बायो इथेनॉल तैयार करने की भी प्लानिंग चल रही है। तो अब से जब भी आप भांग शब्द से रूबरू हों तो इसे नशे की नहीं आमदनी की नज़र से देखिएगा। अगर आप एक किसान हैं तो इसे मुनाफेमंद फसल समझिएगा, अगर आम आदमी हैं तो इसके औषधीय गुण पहचानिएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। कृषि और किसान सशक्तिकरण की इस मुहिम को सफल बनाने में आप भी ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं।